हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम लोगों ने शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई हुई है जिसके क्रम में हमारा आज का टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रभाव देखिए दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल शिक्षण अभिरुचि में इससे प्रश्न आने की संभावना काफ़ी रहेगी इवन ना सिर्फ ये एल शिक्षण अभिरुचि सी टी टी यू टी टी यू पी टी टी हर जगह इससे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना रहती है तो देखिए दोस्तों यह टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसे धैर्यपूर्वक इसको ध्यान से सुनिएगा मतलब देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव अधिगम के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है अधिगम का अर्थ क्या होता है सीखना होता है ठीक है ना? अधिगम में हम जितने भी अनुभव के आधार पर अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं उसी को हम अधिगम बोलते हैं इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था तो जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ अधिगम के सिद्धांत दिए हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं देखिए दोस्तों वैसे हम अधिगम के सिद्धांतों को कैटेगराइज uh, भी कर सकते हैं तीन वर्गों में विभक्त करने का प्रयास किया है मैंने इस वीडियो में जिसमें हमारे जो तीन वर्ग हैं एक है व्यवहारवाद एक है साचार्यवाद या, या इसको हम संबंधवाद भी बोलते हैं एक होते हैं गेस्टाल्टवाद तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे सबसे पहला आता है व्यवहारवाद तो व्यवहार बात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं व्यवहारवाद के अंतर्गत जो सबसे पहला सिद्धांत आता है वो आता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर हम इसको क्या बोलते हैं एस आर थ्योरी भी बोला जाता है ठीक है ना एसआर थ्योरी एस आर थ्योरी का मतलब यह है स्टिमुलस रिस्पॉन्स आपका थ्योरी ठीक है ना तो एस आर थ्योरी भी इसको बोला जाता है इसको आप समझ लेते हैं ठीक तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एल थोनडाइक एल थोन्डाइक थे इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था देखिए दोस्तों वैसे इसको व्यवहारवाद का सिद्धांत भी बोला जाता है तो व्यवहारवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं या प्रवर्तक हैं वो भी कौन है थोडाइक ही इन्होंने उन्नीस में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस ठीक है एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी थी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो थोडाइक है इनको प्रथम मानव व्यवहारवादी भी कहा जाता है इन्होंने क्या किया था एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उसके आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी तो यहां पर पहले इसका नियम देख लेते हैं फिर उसके बाद प्रयोग को डिस्कस कर लेंगे तो देखिए सबसे पहला जो इसका नियम है इस नियम के अनुसार अगर जब कोई प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है परिणाम संतोषजनक प्राप्त होने पर वह अनुक्रिया उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है तो सिंपल सा नियम है कि अगर कोई प्राणी के सपक्ष लेके आएंगे तो वह उसके प्रति रिस्पॉन्स देगा और अगर परिणाम संतोषजनक हैं तो वह अनुक्रिया उद्दीपक के संग जुड़ जाती है इसका मतलब वो अधिगम वहां पर हो जाता है यानी कि वो सीख जाता है अब इसमें कैसे हुआ था ये चीज तो दोस्तों इसमें जो थे इन्होंने इस स्पेशल टाइप का पिंजरा बनाया था उस पिंजरे में एक लीवर था जिस लीवर को दबा के उसका दरवाजा खुल जाता था तो इन्होंने क्या किया एक भूखी बिल्ली को उस पिंजरे के अंदर रख दिया ठीक है ना और पिंजरा इस तरीके से था कि जो उसमें बाहर है बाहर जो चीजें रखी जाती थी उसमें था, उनको देखा जा सकता था ठीक है ना तो ये क्या करते थे जो भूखी बिल्ली है उसके सामने एक मछली का टुकड़ा रख देते थे तो जो मछली का जो टुकड़ा है ना वो उद्दीपन का कार्य करता था उस टुकड़े को देख कर संदूक में जो बंद बिल्ली है वो तुरंत क्या कर देती थी अनुक्रिया प्रारंभ कर देती थी यानी कि उछलना कूदना स्टार्ट कर देती थी तो बाहर निकलने का प्रयास करती थी काफी देर तक जब प्रयत्न करती थी तब भी बाहर नहीं निकल पाती थी लेकिन क्या हुआ कि गलती से उसका हाथ लीवर में पड़ गया दरवाजा खुल गया और उसने क्या कर दिया की जो टुकड़ा है वो खा लिया ठीक है अब इन्होंने जो प्रयोग है दोबारा दोहराया उन्होंने फिर से बिल्ली को भूखा रख के उस संदूक में बंद कर दिया बिल्ली ने फिर पहले जैसे युक्रिया प्रारंभ की और संयोगवत फिर उसका जो पंजा है संदूक के हम कह सकते हैं लीवर में पड़ गया या जो भी पिंजरा है उसके लीवर में पड़ गया उसने बाहर निकल मछली का टुकड़ा खा लिया ठीक तो इस तरीके से क्या किया कि जो थॉन्डाइक है उन्होंने इस प्रयोग को कई बार दोहराया जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे बिल्ली के जो प्रयास हैं वो कम होते चले गए यानी कि जो भूल हैं उसकी वो कम होती चली गई और वो लगातार गलत अनुक्रियाएं उसकी भी क्या होती चली गई कम होती चली गई अंत में एक ऐसा भी समय आया कि बिल्ली क्या करती थी बिना कोई भूल किए संदूक का दरवाजा आसानी से खोलना सीख गई इसका मतलब क्या है कि अगर परिणाम संतोषजनक प्राप्त हुआ तो जो अनुक्रिया उद्दीपक के संग जुड़ गई और बिल्ली का अधिगम हो गया यानी उसने लीवर को दवा के दरवाजा खोलना सीख लिया ठीक है तो तो ये जो आपका नियम है वो क्या कहलाता है दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया या उद्दीपक अनुक्रिया नियम कहलाता है काफी इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है ना इसके अलावा जो थाडाइक है थॉन्डाइक ने सीखने के क्षेत्र में तीन मुख्य नियम दिए थे इनको हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था तो इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे तत्परता का नियम अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम आप चाहे तो मेरी पिछली जो वीडियो है अधिगम से रिलेटेड आप उसको देख सकते हैं वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा हम यहां पर देखते हैं कि जो थाडाइक ने इसके अलावा कुछ और पांच संयोगी नियम भी दिए थे इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ये हमने नहीं बताया था तो इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों जो सबसे पहला नियम है वो है मानसिक स्थिति का नियम देखिए मानसिक स्थिति का मतलब क्या है कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे किसी चीज को सीखने के लिए तब तक आप क्या नहीं कर सकते कोई चीज़ सीख नहीं सकते वो यह नियम कहता है बस बहुत सिंपल सा है मानसिक स्थिति हम कहते हैं ना कि यार मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ सीखने के लिए तो बस आप मेंटली अगर प्रिपेयर हो गए आपकी मानसिक स्थिति अगर आप मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आप आसानी से सीख लेंगे अदरवाइज आप उसको नहीं सीख पाएंगे ठीक है ना तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जैसे इसमें क्या होता था? है जैसे थकावट है आकांक्षाएं निंद्रा भावनाएं ये सभी क्या होती हैं मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं ठीक है ना इसको तत्परता का नियम के अंतर्गत भी ये आ सकता है ठीक इसके बाद आता है साचार्य परिवर्तन का नियम साचार्य परिवर्तन का नियम तो ये कहता है ना कि दोस्तों अगर कोई अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है तो एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है यानी कि कोई अगर हम उद्दीपन को किसी दूसरे उद्दीपन से रिप्लेस कर दें तो उस उद्दीपन के प्रति जो हमारी अनुक्रिया होती थी वही दूसरे उद्दीपन के प्रति भी हो सकती है यह नियम कहलाता है देखिए दोस्तों इसको हम क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं जो कि आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे ठीक है ना शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो कि पावलॉ द्वारा अपनाया गया था तो काफी इंपॉर्टेंट है या व्यवहार बात चल रहा है तो व्यवहार बाद के अंदर जितने भी नियम है सब एक से जुड़े हुए होंगे ठीक है है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमने हमने एक उद्दीपन उद्दीपन को दूसरे से हमने रिप्लेस कर दिया सेम परिस्थिति में तो हो सकता है कि जो अनुक्रिया हमारी पुराने उद्दीपन से थी वो नए उद्दीपन से भी हो तो ये इसको हम बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बाद अगला आता है आंशिक क्रिया का नियम देखिए आंशिक क्रिया का नियम क्या है थॉन्डाइक ने आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही आंशिक क्रिया का नियम बताया है ठीक है ना इस नियम के अनुसार होता है क्या है कि कोई एक जो आपकी प्रतिक्रिया है ना संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों या अंशों के प्रति होती है ठीक जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों अंश से की ओर शिक्षण सूत्र है ना जो उसका अनुसरण करेंगे करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे आप क्या होता है ना पाठ योजना को छोटी छोटी इकाई में विभक्त करके पढ़ते हैं ना तो वही इस नियम या जो नियम है उसी नियम पर आधारित है कहने का मतलब है हम पूरी क्रिया के प्रति नहीं उसके अंशों के प्रति हम क्या करते हैं रिस्पॉन्स देते हैं यहां पर चीज को आपने ध्यान में रखना है तो जब हम किसी स्थिति को एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है यह काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर आप ध्यान में रखेंगे इसके बाद आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम अब बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है देखिए दोस्तों यह नियम आपका हमने पढ़ा था ना ट्रायल एंड एरर यानी प्रयत्न एवं भूल के नियम पर आधारित है इसमें क्या होता है जब व्यक्ति के सामने कोई नवीन समस्या आती है तो वो उसको सुलझाने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि वो सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता ठीक है ना तो ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसको संतोष मिल जाता है और यदि व्यक्ति असफल हो तो उसको निराश नहीं हो वो क्या कर क्या करे बल्कि एक के बाद एक उपाय करके अमल में लाते रहना चाहिए तब तक लाते रहे जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बहुप्रतिक्रिया का नियम ओके इसके बाद आएगा समानता का नियम समानता का नियम क्या है देखिए समानता का नियम बहुत सिंपल है कि अगर हमारे सामने कोई नई परिस्थिति या कोई नई समस्या उपस्थित हो जाए तो व्यक्ति उससे मिलती जुलती अन्य समस्या या परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वो पहले गुजर चुका है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा नवीन परिस्थिति में भी वैसे ही अनुक्रिया करेगा जैसे उसने पुरानी स्थिति में की थी बहुत सिंपल है ठीक है ना आप किसी परिस्थिति से पहले गुजर चुके हो और आपको उसका एक्सपीरियंस है ठीक है ना आपने वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स किया था तो अब आप आपके सामने कोई नवीन समस्या आ गई तो आप क्या करेंगे जो आपने पुरानी समस्या में रिस्पॉन्स दिया था आप उससे मिलती जुलती ही आप क्या करेंगे कुछ रिस्पॉन्स करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपका जो शिक्षण सूत्र है वो क्या अज्ञात से अज्ञात की इस पर यह आधारित है ओके? आपके का यानी जो पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है उसका हम कह सकते हैं इस नियम का यह आधार है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं समानता का नियम यह काफी इंपॉर्टेंट है इसके बाद आता है दोस्तों अगला सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोस्तों सिद्धांत है दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे रूस के शरीर शास्त्री पी पावलाव काफी इंपॉर्टेंट है पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर इसको हम क्या बोलते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोला जाता है यह भी एक व्यवहारवादी सिद्धांत है इसको आपने ध्यान में रखना है तो इस सिद्धांत के अनुसार थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वो उसके प्रति अनुक्रिया करता है वो तो है। के समक्ष बार बार दोहराया जाए तो दूसरा उद्दीपक प्रथम उद्दीपक का स्थान ले लेता है जो प्राणी और प्राणी जो अनुक्रिया प्रथम उद्दीपक के प्रति करता है वही अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के प्रति करने लगता है तो देखिए दोस्तों इसके बारे में अब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करते हैं ठीक तो अगर जो दूसरा उद्दीपक है उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाए यानी कि उससे उसको चेंज कर दिया जाए तो हम उसके प्रति भी वही अनुक्रिया कर सकते हैं ठीक है ना इसकी भी लेकिन क्या होती है कुछ कंडीशन होती हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई उद्दीपक और अनुक्रिया उनके बीच में आपका क्या हो गया अनुबंधन हो गया ठीक है ना इसको पहले हम एक प्रयोग से समझ लेते हैं फिर आप उसको आ, अच्छे से इसको आत्मसात कर पाएंगे इसको समझ पाएंगे देखिए इसमें क्या हुआ सबसे पहले इन्होंने क्या किया जो पावलोव है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया अब इन्होंने कुत्ते पर क्या प्रयोग किया इन्होंने क्या किया कि जो कुत्ता है कुत्ते की लार को मापने के लिए एक यंत्र रखा ठीक है ना और उसके सामने इन्होंने एक उद्दीपक के रूप में घंटी ठीक है ना घंटी और भोजन ठीक है ना भोजन में जैसे गोश्त हो गया इसका इस्तेमाल किया इन्होंने ठीक है ना तो ये करते क्या थे घंटी बजाते थे और उसके बाद भोजन रख देते थे ठीक है समझ लो क्या करते थे घंटी बजाते थे भोजन रख देते थे तो होता क्या था कि जो कुत्ते है कुत्ते के मुंह से लार निकल आती थी भोजन को देख ठीक हो गया इसके बाद इन्होंने क्या किया यह प्रयोग लगातार किया घंटी बजाई उसके बाद भोजन रखा तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगी उसकी लार जितनी की मा, जितनी लार की मात्रा है उसका मापन कर लिया गया ठीक है ना उसके बाद ऐसे प्रयोग वो लगातार करते गए करते गए करते गए बाद में उन्होंने देखा कि भाई जब हम सिर्फ घंटी बजा रहे हैं सिर्फ घंटी बजाई तो भोजन आने से पहले कुत्ते के मुंह से क्या हो गई लार निकल गई ओके तो अब ये उन्होंने एक तरीके से क्या किया उन्होंने आपका जो एक उद्दीपक था उसको दूसरे उद्दीपक से रिप्लेस कर दिया उन्होंने क्या किया जो घंटी बजाना वाला जो उद्दीपक है उसके प्रति भी वो सेम अनुक्रिया करने लग गया जो कि भोजन को देख के करता था यानी कि उसने एक तरीके से क्या हो गया दोस्तों ये हो गया अनुबंधन ठीक है इसको दोस्तों अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में समझें कि देखिए मैं आपको इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा ठीक है ना जैसे जो पावलव थे इन्होंने माना कि जो भोजन है भोजन आपका क्या है एक स्वाभाविक उद्दीपक है यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे नेचुरल स्टिमुलेंट ओके नेचुरल स्टिमुलेंट है यानी एक स्वाभाविक उद्दीपक है ठीक है ना जिससे हम क्या बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे अन अनुबंधित यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस बोला गया इसको ठीक है आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा ठीक है ना भोजन कैसा उद्दीपक है स्वाभाविक है ठीक है अच्छा अब भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गई लार आ गई तो वो क्या होगी स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स एक था नेचुरल स्टिमुलेंट ओके स्वाभाविक उद्दीपक और उसके बाद हुई नेचुरल रिस्पॉन्स ठीक है ना जो कि आपकी इसको हम क्या अब जो उसकी अनुक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि यूसीआर ठीक है ठीक एक हो गया आपका स्वाभाविक उद्दीपक उसको हम बोलेंगे यूसीएस यानी कि जो अन अनुबंधित उद्दीपन है और जो आपका हो गया नेचुरल रिस्पॉन्स जो कि उसको देख के आपका क्या होगा एक स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा ठीक है ना अब भोजन देने से पहले जब आप क्या करते हैं घंटी बजाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक यानी कि उसको हम बोलेंगे सीएस यानी कि कंडीशनल स्ट्यूमलेट ठीक है ना कंडीशनल स्ट्यूमलेस ठीक है ना और उसके बाद अगर कुत्ते को अगर हम इसके बाद जब हम प्रयोग लगातार करते गए करते गए करते गए बाद में क्या हो गया कि घंटी बजाने के बाद ही घंटी बजाने के बाद ही उसके कुत्ते के मुँह से लार निकलने लगी तो जो, जो कुत्ते के मुँह से लार निकल ली है अब वो आपकी क्या है वो आपका अनुबंधित अनुक्रिया बन गई देखो अब वो क्या बन गया अनुबंधित अनुक्रिया पहले तो क्या थी आपका नेचुरल आप भोजन लेके आते थे उसके सामने और उसके मुंह से लार निकलती थी तो वो तो नेचुरल स्टिमलेस था ठीक है उसके बाद उसका नेचुरल रिस्पॉन्स आता था तो ये अनकंडीशनल थे दोनों के दोनों क्या थे अनकंडीशनल थे अनकंडीशनल स्टूमलेस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स लेकिन आपने क्या कर दिया अब घंटी बजा के घंटी बजा बजा के बजा बजा के अब उसके मुंह से आपने लार निकलवा दी तो अब क्या हो गया कंडीशनल स्टूमलेस दिया आपने और उससे क्या आ गया आपके सामने कंडीशनल रिस्पॉन्स भी आ गया कंडीशनल रिस्पॉन्स भी आ गया जिसको हम क्या बोलेंगे सीआर बोलेंगे समझ में आया ठीक तो यहां पर आप इस चीज को समझो ये जो आप देखिए आप इसको कैसे समझेंगे देखिए जैसे क्या होता है कि अध्यापक कक्षा में नहीं हो ठीक है सपोज करो अध्यापक कक्षा में नहीं है और मॉनिटर ये बोलता है कि कक्षा में अध्यापक आने वाले हैं तो बच्चे क्या होते चुपचाप हो जाते हैं ठीक है तो वो आपका क्या होगा अनुबंधन होगा ठीक है अब ये कैसे होगा मैं बताता हूं आपको ठीक जैसे कि सपोज करो अध्यापक आते हैं तो वो आपका क्या है नेचुरल स्टिमुलस विद्यार्थी अपने आप ही चुप हो जाते हैं देखिए कक्षा में अध्यापक आए वो है नेचुरल उनका आना है ठीक है उसके बाद बच्चों का चुप हो जाना वो तो स्वाभाविक अनुक्रिया है नेचुरल रिस्पॉन्स ठीक है अब हुआ क्या अब अध्यापक ने अपना कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि अध्यापक के आने से पहले ही सपोज करो मॉनिटर है उन्होंने एक ऐसा मॉनिटर रखा कि भाई वो मॉनिटर क्या कह रहा है कि भाई गुरु जी आ गए अरे भाई टीचर आने वाले तो विद्यार्थी अपने आप ही क्या हो गए चुप हो गए अब उन्होंने क्या दिया वो एक्चुअली क्या है वो जो मॉनिटर है वो एक्चुअली क्या है वो कंडीशनल है कंडीशनल समझ रहे ना वो कंडीशनल एक तरीके से उद्दीपक है और अब जो विद्यार्थी वो पहले की तरह फिर से चुप हो गए समझ में आ रहा है ना तो वो आपकी क्या है कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया है, समझ रहे हैं तो यहां पर इस चीज को आपने समझना है कि एक उद्दीपन है अगर हम उसको उसके रिप्लेस कर दें तो वहां पर हो सकता है कि अनुक्रिया प्रारंभ हो जाए कहने का मतलब वैसे ही अनुक्रिया उसके दिए अब जो आपका कंडीशनल स्टिमुलस होगा उसके खिलाफ जो आपकी अनुक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे जरूरी हो जाता है समझाने के लिए ठीक है ना तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है ना तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बच्चों में अगर आपको स्वस्थ आदतों का निर्माण करना है तो इसलिए भी इनका प्रयोग किया जाता है ठीक है ना तो उनको क्या होता है समय समय पर उत्प्रेरित किया जाता है तब तक जब तक कि वो अच्छी आदतों में बदल ना जाए इसलिए इसका प्रयोग भी किया जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट है पावलव का कंडीशनल या क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी ठीक है ना काफी इंपॉर्टेंट इसके बाद इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं के करके देखिए पहला आता है पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि वो उद्दीपन जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ा देता है जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पुनर्बलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है धनात्मक एक होता है ऋणात्मक ठीक है ना तो धनात्मक में हम क्या करते हैं पुरस्कार देते हैं भोजन पानी इत्यादि ऋणात्मक में आपका क्या होता है कि जैसे आपने कोई बिजली का झटका दे दिया जानवर को तीव्र रोशनी कर दी या तीव्र हम उस पर चिल्ला गए तो उससे क्या होता है कि जो अनुक्रिया होने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है गलत अनुक्रिया करने की संभावना तो लेकिन फिर भी जो स्कीनर थे उन्होंने जब अपने सीखने के सिद्धांत में जो ऋणात्मक पुनर्बलन को धनात्मक पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावकारी बताया था इसके बाद अभ्यास जो हम लगातार बता रहे हैं कि बिना अभ्यास के तो कोई चीज़ कोई सीख ही नहीं सकता और समय समय तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ठीक है इसके अलावा पावलव ने कुछ इंपॉर्टेंट नियमों का प्रतिपादन किया था जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं उत्तेजना का नियम ठीक है उत्तेजना का नियम के बारे में भी हमने डिस्कस किया है दोस्तों कि जैसे आपके सामने कोई चीज अगर जैसे सपोज करो कुत्ता ही था तो कुत्ते के सामने अगर आप जब भूख ले जब आप भोजन लेके आ रहे हैं तो वो उसकी उत्तेजना को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है तो वो उत्तेजना का नियम था उद्दीपक सामान्यकरण उद्दीपक सामान्यकरण बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि जैसे सपोज करो कोई बच्चा है अगर वो सफ़ेद खरगोश से डरता है तो वो सफेद रंग की सभी वस्तुओं से डरने लग जाता है तो वो क्या कहलाता है उद्दीपक सामान्यकरण कहलाता है जैसे कि अगर कोई काले कुत्ते से डरता है तो वो काला कोट हो गया और सभी काले रंग की वस्तुओं से डरने लग जाता है तो एक तरीके से वो जिस उद्दीपक को देख के उसने बिहेवियर किया था यानी रिस्पॉन्स किया था तो उसके जैसे अलग दिखने वाले उद्दीपकों से भी सेम रिस्पॉन्स करने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सामान्यकरण इसी तरह से उद्दीपन विभेदीकरण होता है विलोपन होता है और स्वतः पुनर्लाभ होता है तो पावलॉ के पांच नियमों का प्रतिपादन किया था इनको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे फिलहाल हम इनके सिर्फ सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं काफी वरना समय लग जाएगा इस वीडियो में तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं ठीक है इसके बाद अगला इसके बाद अगला आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि आपका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनु जो हम जिसको बोलते हैं ऑपरेट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों यह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे मनोवैज्ञानिक बी एफ स्कीनर थे बहुत इंपॉर्टेंट है बी एफ स्कीनर इसके प्रतिपादक थे और यह भी एक दोस्तों क्या थे एक व्यवहारवादी थे इसको आपने ध्यान में रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यवहारवादी थे ये आपके कौन थे बी एफ स्कीनर थे ठीक है ना इनकी जो पुस्तक थी आपकी कौन सी थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग भी ही इसका नाम है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें इन्होंने माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमित अनुदेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था उसके में भी उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है ठीक है ना तो ये भी एक व्यवहारवाद का सिद्धांत है तो इस पर आपका क्या कहता है देखिए ये कहता है सिद्धांत कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं सिद्धांत को मानवों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि मानव वातावरण का गुलाम बनकर नहीं रह सकता वह अपनी पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का सतत प्रयास करता रहता है देखिए अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ इन्होंने क्या किया था दोस्तों चूहे और कबूतर इस पर इन्होंने प्रयोग किया था अब आप इसको समझिए थोड़ा सा पहले हम प्रयोग के बारे में डिस्कस करते हैं फिर आपको यह सिद्धांत बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या किया एक सफेद रंग का चूहा लिया इन्होंने स्कीनर बॉक्स भी बोला जाता है इस बॉक्स में आपका क्या था कई सारे घुमावदार मार्ग थे जिसमें चूहा क्या करता दौड़ लगाता ठीक है ना और इस बॉक्स में एक ऐसी अवस्था की गई जैसे कि लीवर दबने पर भोजन मिल जाता ठीक है ना तो जब चूहा क्या करता बॉक्स के विभिन्न मार्ग में दौड़ लगाता तो अचानक से उसका पैर क्या हुआ लीवर में पड़ गया और लीवर दब गया और लीवर दबने से उसको भोजन की प्राप्ति हो गई तो कहने का मतलब यह है कि चूहों का विभिन्न मार्ग से गुजरना वो आपका क्या है रिस्पांस है और उसको भोजन की प्राप्ति होना क्या है उद्दीपक है तथा प्रोत्साहन है तो इस तरीके से इस सिद्धांत को हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत यानी कि रिस्पांस स्टिमलेस थ्योरी जैसे पहली वाली क्या थ्योरी थी एसआर थ्योरी थी कि पहले उद्दीपक फिर अनुक्रिया यहाँ पर ये लोग ये मानते हैं कि आपको उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं ये सिद्धांत को मानवों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप सबसे पहले आर एस जो थ्योरी है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार है यानी कि ऑपरेंट बिहेवियर है वो उद्दीपक पे आधारित नहीं है वो आपका किस पर आधारित है अनुक्रिया पर आधारित है यानी कि रिस्पॉन्स पर आधारित है पहले रिस्पॉन्स फिर उद्दीपक ठीक है हम यहां पर क्रिया प्रसूत को यह समझें जिससे जैसे इससे पहले वाले सिद्धांत है वो किस पर आधारित थे कि पहले आपको जब आपको उद्दीपन मिलेगा उद्दीपक होगा तब जाके अनुक्रिया होगी ये उल्टा कहता है यह कहता है कि पहले रिस्पॉन्स होगा और फिर जाके क्या होगी अनुक्रिया होगा ठीक है ना जब किसी क्रिया को करने के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है ये इनका मानना है जैसे कोई विद्यार्थी है अगर वो अंक प्राप्त कर लेता है या फिर किसी कार्य को कर लेता है अच्छे से और फिर उसको इनाम दिया जाता है या प्रशंसा की जाती है तो उसके कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है यानी कि उसका अधिगम और अच्छे से बढ़ जाता है तो इन्होंने इस तरीके से यह प्रयोग किया था ठीक है ना तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसको आर एस थ्यूरी बोला जाता है कि पहले होगा रिस्पॉन्स देन उसके बाद आपका क्या होगा उद्दीपन होगा इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे ठीक है ना इसके बाद इन्होंने स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो आधार है इन्होंने पुनर्बलन माना है कि जब कोई बात व्यवहार की किसी रूप में पुनर्बलन करती है तो उस व्यक्ति की आवृत्ति के अवसर अधिक होते हैं बिल्कुल यानी कि अगर आपको कोई बात अगर व्यवहार के किसी रूप को अगर वो पुनर्बलित करती है जैसे कि हमने बोला था रेनफोर्स करती है तो उस व्यवहार के आवृत्ति के अवसर बहुत अधिक होंगे ठीक है ना तो अब शिक्षा के दृष्टिकोण से स्किनर ने कुछ सीखने के सिद्धांत के कुछ अंश दिए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक है ना तो देखिए दोस्तों जो स्किनर है उसने सीखने की व्यवस्था को दो रूप बताए हैं पहले उन्होंने बताया है एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार एक होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में क्या क्या होगा आपका उसको हम क्या बोलेंगे का मतलब यह है कि आपके सामने कोई उद्दीपन प्रस्तुत होगा तो आप क्या करेंगे प्रतिक्रिया करेंगे या अनुक्रिया करेंगे देखिए समझ में आ रहा है ना तो इस पर आपका क्या होगा यह आपका अनैच्छिक व्यवहार होता है अनैच्छिक व्यवहार का मतलब है कि आपकी इच्छा से नहीं होता है तो इसको हम टाइप एस अनुबंधन भी बोलते हैं आप ध्यान में रखेंगे इसमें कौन इंपॉर्टेंट है आपका कौन आ, कौन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एस यानी कि स्टिमुलस, स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा ठीक है ना जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा होगा यानी कि प्राणी की इच्छा पर निर्भर करेगा तो इसमें क्या होगा कि भाई क्रिया प्रसूत में आपकी पहले अनुक्रिया होगी और उसके बाद आपका क्या होगा उद, होगा अस्पष्ट अस्पष्ट उद्दीपन उद्दीपन ठीक है है ना यानी कि जो आपकी जो आपकी अनुक्रिया है, वो एक आपका के द्वारा उत्पन्न होती है तो यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें पता नहीं कि भाई हमें आगे क्या मिलने वाला है लेकिन हम क्रिया कर रहे हैं जैसे कि भाई चूहा है वो भाग रहा था उसको पता तो था नहीं कि भाई भोजन मिलने वाला है ना तो उसका क्या हुआ कि गलती से लीवर पड़ा उसको भोजन मिल गया तो भाई उसका क्या कहते हैं

ठीक है इसके अलावा इन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि अभी हमने बताया था कि पुनर्बलन पुनर्बलन बहुत इंपॉर्टेंट है पुनर्बलन के तात्पर्य वैसे उद्दीपन से होता है जो कि अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है इन्होंने बताया था भाई धर्नात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ना इन्होंने धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को ज़्यादा तरजीह दी है ऋणात्मक पुनर्बलन से इसके बाद आता है पुनर्बलन अनुसूची यानी कि शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट अब इसका क्या मतलब है देखिए जो हम कह सकते हैं ना कि जो पुनर्बलन अनुसूची से तात्पर्य एक ऐसी योजना से होता है कि जिसमें वह उल्लेख रहता है कि कितनी अनुक्रिया करने के बाद या कितने समय के बाद व्यक्ति को पुनर्बलन या की यानी कि रेनफोर्समेंट दिया जाए ठीक है आपने एक सूची बना ली ठीक और उसमें आप लिखा रहता है कि आप इतनी अनुक्रिया के बाद व्यक्ति को पुनर्बलन देंगे ठीक है ना इसको भी वैसे दो भागों में डिवाइड किया गया है एक होता है आंशिक पुनर्बलन एक होता है सतत पुनर्बलन आंशिक को बोलते हैं पार्शियल रेनफोर्समेंट ठीक है ना या इसको आप विरामी पुनर्बलन भी कह सकते हैं ठीक है ना तो इसमें होता क्या है कि किसी अनुक्रिया के बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है और किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन नहीं दिया जाता है ठीक है इसको आप ध्यान में रखेंगे इसमें एक होता है आंशिक मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं ताकि आप ध्यान में रखो इसको बोलेंगे पी यानी कि पार्शियल रेनफोर्समेंट ठीक है ना इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट यानी कि सतत पुनर्बलन इसमें क्या होता है प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है ठीक है तो आप ध्यान में रखेंगे कि एक होता है आंशिक पुनर्बलन एक होता है आपका कंटिन्यूस पुनर्बलन यानी कि सतत पुनर्बलन ठीक हो गया आप आंशिक में क्या करेंगे आप किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देंगे किसी के बाद नहीं देंगे सतत में आप हर अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देंगे इसके बाद अंतर्नोद अब ये क्या चीज है यानी कि इसको हम बोलते हैं चालक चालक यानी ड्राइव अब इसको भी ध्यान में रखिए जो ड्राइव आपका क्या चीज़ है देखिए दोस्तों ये व्यक्ति की आंतरिक व्यवस्था होती है जो एक तरीके से क्रिया प्रसूत यानी कि आपकी जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है उसको करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे अंतर्नोद का मतलब क्या होता है इसको बोलते हैं ड्राइव ठीक है इसके बाद आता है शेपिंग शेपिंग प्रविधि ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है शेपिंग मतलब यानी आपने उसके व्यवहार को एक शेप देना है ठीक है ना तो आप धीरे धीरे अब एक खास लक्ष्य की ओर को ले जाएंगे पुनर्बलन के आधार पर ये आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है ना जैसे कि भाई स्किनर ने क्या किया था चूहे है या कबूतर है उसको काफी जटिल कार्य करना सिखाया किसके आधार पर शेपिंग के आधार पर ही तो किया है ना ठीक तो शेपिंग का जो काम होता है उसमें आपका क्या होता है कि जो पुनर्बलन उसमें लगातार दिया जाता है और उससे उसके व्यवहार को एक तरीके का शेप दिया जाता है किसी खास लक्ष्य की ओर उसको एक तरीके से मोल्ड किया जाता है इसको अपने ध्यान में रखना तो ये होता है शेपिंग ठीक तो दोस्तों व्यवहारवादी विचारधारा के बाद अब आती है गेस्टाल्टवादी विचारधारा देखिए गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं गेस्टाल्टवादी ये मानते हैं कि जो एक बुद्धिमान प्राणी है ना वो समस्या उत्पन्न होने के बाद तुरंत अनुक्रिया नहीं करेगा ठीक है ना वह यहाँ पर सूज का प्रयोग करेगा इसलिए उसको क्या कहते हैं सूज या अंतरदृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं काफी इंपॉर्टेंट है गेस्टाल शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है गेस्टाल शब्द का आशय समग्रता या संपूर्णता है ठीक है ना तो आपकी जो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक है उनकी मान्यता व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों से भिन्न होती है इसमें कौन कौन आते हैं गेस्टाल्टवादी एक आते हैं आपके कोलर सबसे इंपॉर्टेंट कोलर हैं। इसके अलावा आपके मैक्स वर्दीमर हैं और कोफका है ठीक है ना आप इसको ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन भी आ जाता है मैक्स आपके वर्दीमर एक तो ये थे इसके बाद थे आपके कोफका और कोलर कोलर का नाम तो आपने काफी सुना होगा ठीक तो ये आपके गेस्टाल्टवादी हैं इसको आपने ध्यान में रखना है ठीक तो आप जो व्यवहारवादियों का क्या मानना है कि मनुष्य का अधिगम पशु पक्षियों की तरह होता है जैसे कि हमने बोला कि उनके सामने अगर वो उद्दीपन लिंग रखेंगे तो तुरंत वो क्या करेंगे अनुक्रिया करेंगे या समस्या उत्पन्न होगी तो तुरंत क्या करेंगे अनुक्रिया करेंगे जबकि गेस्टाल्टवादी ये मानते हैं कि पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह सीख सकते हैं कहने का मतलब है कि अगर उनके सामने अगर आप कोई उद्दीपन रखेंगे तो वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेंगे वो थोड़ा सा अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके सामने वही लिखा हुआ है कि बुद्धिमान प्राणी किसी समस्या के उत्पन्न होने पर तुरंत अनुक्रिया नहीं करता बल्कि उस समस्या को समझने का प्रयास करता है और जैसे ही उस समस्या की सूझ उस प्राणी के मस्तिष्क में आती है तो वह क्रियाशील हो जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है कोलर और इन्होंने क्या किया था सुल्तान नामक चिंपेंजी पर प्रयोग किया था चार प्रयोग इन्होंने किए थे एक प्रयोग में आपको बता देता हूँ चारों के चारों को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है तो इन्होंने क्या किया था कि एक चिमपैनजी यानी कि भूखा चिम्पैनजी को इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया और इन्होंने क्या किया कि जो कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए थे ठीक है ना और जो कि चिमपैन की पहुंच से बाहर थे और उसके अलावा उन्होंने कमरे में तीन चार खाली बक्से भी डाल दिए अब जो चिंपैनजी क्या किया उसने केलों को देकर कूद करने का आ, करने लग गया उनको प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वो केलों को प्राप्त करने में असफल रहा ऑफकोर्स क्योंकि वो काफी हाइट पर थे तो उसके बाद उसने क्या किया फर्श पे रखे हुए कुछ खाली बक्सों को देखा और पहले वह एक बक्से को केले के नीचे रखता है और फिर उस पर चढ़कर केले को प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन वो केला प्राप्त नहीं कर पाता उसके बाद दूसरा बक्सा भी रख देता है और फिर केले को प्राप्त करने का प्रयास रखता है उसमें भी असफल होता है उसके बाद वो तीसरा बक्सा जब वो रख देता है और उसको एक तरीके से तीन बक्सों को एक के ऊपर एक रख देता है तो वह केले को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो यहां पर क्या दिखी यहां पर उसकी अंतर्दृष्टि दिख गई यानी यहां पर उसकी सूझबूझ दिख गई ठीक है ना तो बक्सों को जब वो क्रम में रखेगा तो उसने क्या किया केले को प्राप्त कर लिया तो यहां पर क्या है दोस्तों कि जो जानवर भी है ना वो भी एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करते वो आपका क्या कहते हैं सूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर सकते हैं तो ये हैं गेस्टाल्टवादी तो गैस्टाल्टवादी काफी इंपॉर्टेंट है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों अगर हम बात करें अधिगम में सूझ शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम किसने किया था कोलर ने ही किया था ठीक है ना जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि प्यासा कौवा वाली कहानी सुनी थी ना आपने एक कौवा होता है उसको पानी उसको पानी जब वो चोंच डालता है तो पानी नहीं मिल पाता तो क्या करता है धीरे धीरे पत्थर रखने लगता है तो जैसे जैसे पत्थर डाल, डालता जाता है पानी का लेवल ऊपर आ जाता है और वो पानी पी लेता है तो सोच का सिद्धांत है ना वो इसी के अलावा जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग है वो भी आपका क्या है सूझ और अंतर्दृष्टि का ही परिणाम है इसको आपने ध्यान में रखना है इसके बाद आता है साचर्यवाद यानी कि संबंधवाद जो कि तीसरी विचारधारा के लोग आते हैं तो देखिए दोस्तों सहचर्य वाद या संबंधवाद का मतलब क्या है इसका मतलब है साचार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों एसोसिएशन ठीक है ना यानी एसोसिएटिव तो अनुकरण का सिद्धांत आएगा इसके अंदर सबसे पहले तो अनुकरण का सिद्धांत क्या होगा कि इसमें अधिगम करता क्या होता है सुनी हुई बात की अपेक्षा स्वयं देखी हुई बात का प्रभाव उस पर अधिक पड़ता है ठीक है ना और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप वो स्वयं भी वैसा ही करने लगता है जैसा कि वो देखता है तो बच्चों में जो आदतों का निर्माण होता है प्राय इसी सिद्धांतवाद पे तो होता है ठीक है ना तो वो आप क्या होता है वो किसी क्रिया की उपयोगिता और अनुपयोगिता का विचार किए बिना वैसा ही करने लगते हैं जैसा कि वो दूसरों को करते हुए देखते हैं जैसे कि भाई झूठ बोलना समय पर ना आना ठीक है या फिर कुछ अगर गलत आदतों को सीखना बीड़ी सिगरेट पीना तो ऐसी बातों को प्राय क्या करते हैं दूसरों से ही तो सीखते हैं ठीक है ना तो जो दूसरे वे कुछ जैसे हम कह सकते हैं ना कि भाई अगर आप दूसरों को कुछ करते हुए देख कर आप कोई भी चाहे पशु है चाहे पक्षी है चाहे बड़ा छोटा कोई भी हो प्राणी कुछ उनकी जैसी क्रियाएं करने लगता है तो वह अनुकरण द्वारा ही अधिगम कहलाता है ठीक है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वैसे ज़्यादातर छोटों द्वारा बड़ों के प्रति होती है कहने का मतलब है कि जो छोटे लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वही क्या करते हैं बड़ों का अनुकरण करते हैं इसको आपने ध्यान में रखना है ठीक है ना वैसे देखा जाए बड़े और छोटे की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है जैसे हम क्या करते हैं निर्धन होते हैं वो क्या करते हैं संपन्न लोगों का अनुकरण करते हैं रूपहीन लोग होते हैं वो रूपवान लोगों का एक तरीके से अनुकरण करते हैं ज्ञानहीन लोग ज्ञानवानों का अनुकरण करते हैं ठीक है ना तो इसी तरह से जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा शिक्षकों का अनुकरण करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत इसके बाद आता है भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था ठीक है देखिए भाई उत्पेरक उत्तेजक और उसके परिणामों के बीच पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही इसे संबंध सिद्धांतवाद के अंतर्गत माना गया है ठीक अब हमारी प्रयत्न और उसके परिणामों के पारस्परिक संबंधों का जो परिणाम होता है वही इस सिद्धांत का जन्म है ठीक है देखिए अगर कोई भी कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई आवश्यकता या उद्देश्य होना आवश्यक हो जाता है तो इस सिद्धांतवाद वाले या संबंध सिद्धांतवाद वाले यही मानते हैं कि आप कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई आवश्यकता या उद्देश्य होती है ठीक है ना और उसी उद्देश्य और आवश्यकता के आधार पर ही हम उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं ठीक है ना? और हमारे जो प्रयत्न और परिणामों के बीच पारस्परिक जो संबंध होता है उसी का परिमाण या उसी का परिणाम होता है वही इस सिद्धांतवाद का जन्मदाता है यह कहता है ठीक है ना तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे थॉन्डाइक थे ठीक तो इन्होंने यही माना था कि जो अधिगम है वो परिस्थिति और उसके बीच के परिणामों का पारस्परिक संबंध है देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए हम प्रयत्न तो कर सकते हैं ना लेकिन अगर उसमें भूल हो जाए तो उसको सुधार करना ही मस्तिष्क का कार्य होता है तो यानी कि हम प्रयत्न करेंगे और भूल के द्वारा हम उसको क्या करेंगे प्रयत्न यानी भूल हो जाती है उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे ठीक जिसका मस्तिष्क जितना ज़्यादा विकसित होगा वो उतनी ही कम क्या करेगा भूल करेगा और उस कार्य को जित ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी से जल्दी सीख जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पर ये सिद्धांत यही कहता है कि हम प्रयत्न करते हैं और फिर हमसे भूल हो जाती है और फिर हम उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं ठीक है थी? ना यानी कि हम प्रयत्न करते चले जाएंगे और भूल हमसे हो सकती है तो जिसका मानसिक विकास जितना ज्यादा होगा जिसका मस्तिष्क जितना विकसित होगा उससे डेफिनेटली प्रयत्न भी कम होंगे और भूल भी कम होंगी ये इसका सिद्धांत का सीधा सीधा सा मतलब है इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है ना इसके बाद आता है अभी कुछ और सिद्धांत हैं दोस्तों ये आपके सैचर्य सिद्धांत के अंतर्गत आपके अनुकरण सिद्धांत और भूल और एवं प्रयत्न का सिद्धांत आते हैं अब कुछ अलग से कुछ सिद्धांत हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट करते हैं अभी समय भी बहुत हो गया इस वीडियो को लेकिन कोशिश करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी खत्म कर दें इसके बाद है दोस्तों अगला सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि रे का आपका थ्योरी है इस सिद्धांत को क्लार्क एस हल्के द्वारा दिया गया था जिनके अनुसार आवश्यकता ही अधिगम का आधार है यानी कि जो आपकी नीड है ना वही अधिगम का आधार है आवश्यकता ही चालक है यानी कि ड्राइव है ठीक आवश्यकता पूरी होने पर चालक कम हो जाता है जिससे कि अधिगम की दर कम हो जाती है यह आपका इस सिद्धांत का सीधा सीधा सा मतलब है देखिए अगर आप इसमें आप इसका समझे ना कि भाई जैसे थॉन्डाइक थॉन्डाइक ने प्रयोग किया था कि भाई भूखी बिल्ली को अगर भोजन दे दिया जाए तो वह उछल कूद करना बंद कर देगी ये मानते हैं ठीक है ना फिर उसके बाद उसके किसी बाह्य उद्दीपक का प्रभाव नहीं पड़ता बिल्ली की आवश्यकता क्या थी भोजन थी ठीक है ना और वही क्या था उसके लिए चालक था तो इसकी पूर्ति करते ही बिल्ली का क्या होगा अधिगम करना बंद हो जाएगा ठीक है ना तो इन्होंने कहा कि भाई उद्दीपक नहीं है इंपॉर्टेंट उद्दीपक नहीं है इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा हल्ले कि भाई आवश्यकता इंपॉर्टेंट है बिल्ली को भूख लगी है बिल्ली को खाने की आवश्यकता है बिल्ली खाने को देखकर ऐसे ही हल्ला गुल्ला नहीं करेगी क्योंकि उसकी जो भूख है यानी उसकी जो ड्राइव है वो उसको उछल कूद करवा रही है समझ में आया अगर कोई बिल्ली का पेट पहले से ही भरा हुआ है आप उसके मुंह के सामने फिर से खाना रख दोगे तो फिर वो क्या करेगी उछल कूद करेगी नहीं करेगी ठीक है ना तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि आवश्यकता को उन्होंने ज़्यादा बल दिया है कि कोई भी जो जीव है अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए ही जो क्रिया करता है वह उसे आसानी से सीख लेता है ये इस सिद्धांत का एक तरीके से बेस है या आधार है इसको आप समझिए ठीक है देखिए दोस्तों पुनर्बलन के सिद्धांत के लिए एक प्रयोग भी किया गया था जो प्रयोग आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि एक मिलर और आपके एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था आपका डोलार्ड तो मिलर और डॉलार्ड इन्होंने क्या किया था एक छः वर्ष की लड़की पर प्रयोग किया इन्होंने कहा भाई लड़की से हम आपको कैंडी देंगे आप एक काम करो कमरे से बाहर चले जाओ इन्होंने पुस्तकालय में एक कैंडी को छुपा दिया तो लड़की को क्या थी कैंडी की आवश्यकता थी तो उसने क्या किया कि भाई एक एक करके जब उन्होंने बोला कि आप अंदर आ जाओ और कैंडी को ढूंढो तो उन्होंने कैंडी उसने लड़की ने क्या किया कैंडी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया उसने सारी बुक निकाल दी और उसके बाद उसको क्या हुआ कि लगभग एक तरीके से दो सौ दस सेकेंड के बाद उसको किताब मिल गई ठीक है ना मतलब जिसके नीचे कैंडी छुपा रखी थी तो उसको कैंडी मिल गई यानी कि उसको पुनर्बलन मिल गया अब उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो दोबारा जाओ बाहर फिर उन्होंने क्या किया फिर एक कैंडी छुपा दी फिर एक कैंडी छुपा दी तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने दोबारा से उसको ढूंढना प्रयास किया कि अब उसको डेफिनेटली क्या होगी उसने उसको जल्दी ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो कहने का मतलब है कि जो उसकी आवश्यकता थी आवश्यकता नहीं एक तरीके से उसको रिस्पॉन्स कराना स्टार्ट कर दिया ठीक है ना और फिर उसके बाद उसको क्या मिल गया कैंडी मिल गई तो उसको क्या मिल गया पुनर्बलन मिल गया तो उसके बाद उसने क्या किया कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रयोग होता चला गया तो उसके बाद उसने बहुत ईजिली बहुत जल्दी उसने क्या किया कैंडी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था तो यहां पर आप ये प्रयोग यह बताता है कि जो कैंडी को जो ढूंढना है वो एक तरीके से कैंडी uh, को पाना एक तरीके से क्या था कि लड़की के लिए एक ड्राइव का काम था यानी चालक का काम था और जो पुस्तकों के नीचे जो कैंडी को ढूंढना उस चालक को कम करने के लिए उसकी रिस्पॉन्स है ठीक है ना तो एक तरीके से अंत में क्या हुआ उसको एक उसको अनुक्रिया के लिए पुरस्कार मिला यानी कि रे यानी उसको कैंडी मिल गई तो वो उसकी आदत बन गई तो आप इसको समझिए कि यहाँ पर से भी अधिगम हो गया ठीक है तो ये है पुनर्बलन सिद्धांत इसके बाद आता है मानवतावादी सिद्धांत देखिए दोस्तों इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो मैस्लो थे मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत के बारे में भी आपने पढ़ा होगा तो इसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं हर व्यक्ति के पास क्या होता है समाज में योगदान देने और एक अच्छा पसंद किए जाने वाला व्यक्ति बनने की क्षमता होती है अगर उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है ठीक है ना तो अब्राहम मैस्लो थे और एक कार्ल रोजर्स थे इनको मानवता साधी मानवतावादी सिद्धांतों का हम एक तरीके से जनक भी कहा जा सकता है तो इन्होंने क्या किया था जरूर जरूरतों का एक पिरामिड विकसित किया था तो इन्होंने एक तरीके से इसको दो भागों में कैटेगराइज किया है पाँच आवश्यकता है एक होती है प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे आपकी क्या होती है शारीरिक आवश्यकता है जैसे भाई रोटी कपड़ा मकान फिर एक होती है सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता उसके बाद

ठीक है टोलमैन का जो सिद्धांत है दोस्तों ये उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है या फिर इसको हम संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कह सकते हैं यानी एक तरीके से इन दोनों के बीच का ये सिद्धांतों को जोड़ता है ठीक है ना यानी कि एस आर थ्योरी और संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत दोनों को जोड़ता है तो इस पर आपका क्या होता है संकेत आधारित सिद्धांत होता है और एक तरीके से इसको उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के अंतर्गत भी डाला जा सकता है इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते बस इस ये मान लो कि टोलमैन के द्वारा दिया

पी और ई e, अब इसको मैथामेटिक्स वाले समझ लेंगे यानी कि जो आपका व्यवहार है वो आपका एक तरीके से फंक्शन है पी का मतलब होता है पर्सनल यानी कि आपके व्यक्तिगत कारक और ई e होता है एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरणीय कारक तो पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंट फैक्टर यानी कि जो बी होता है वो फंक्शन होता है पी और ई का ये सिंपल इसका कहने का मतलब है ठीक है ना तो इसमें होता है क्या है कि भाई जैसे भय लक्ष्य बाधा ये इसके मुख्य कारक हैं यदि किसी व्यक्ति को अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा बाधा को प्राप्त दूर करना पड़ेगा ना तो बाधा को पार करेगा तभी जाके उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी ठीक है इसके बाद आता है अधिगम का प्रसूति सिद्धांत अब अधिगम का प्रसूति सिद्धांत क्या कहता है देखिए प्रसूति सिद्धांत का मतलब है कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग ठीक है ना कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग अब इसको एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था इसमें इन्होंने बोला है कि जो अधिगम है वो विशेष उत्तेजना और प्रतिक प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के बीच का संबंध का परिणाम इन्होंने माना है तो अधिगम को इन्होंने बोला है कि भाई जब विशेष उत्तेजना होगी और प्रतिक्रिया होगी तब जाके उसके बीच में जब संबंध आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे अधिगम बोलेंगे ये इनका मानना है इसके बाद आता है अनुभव जन्यवाद का सिद्धांत यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी देखिए कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है इसके अनुसार क्या है कि भाई अनुभव ही सीखने का अधिकार है जो हम ज्यादातर स... पढ़ते रहें अपनी थ्योरी पे, ठीक है ना यानी कि इनके अनुसार कि भाई अनुभव जितने होंगे वही सीखने का आधार है इसको हम बोलते हैं अनुभव जन्यवाद सिद्धांत आपको क्या करना है मैं आपको बस इनके जो सिद्धांत है उनके प्रवर्तक है के उनके नाम याद करने एक एक के बाद एक बाकी इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है अब इसके बाद दोस्तों अधिगम में योगदान देने वाले कारक यानी कि उसको प्रभावित करने वाले कारक इसको भी हम तुरंत से बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं देखिए सबसे पहला आता है संवेदीकरण या प्रत्यक्षीकरण कारक देखिए विद्यार्थी में सामान्य स्वास्थ्य के अतिरिक्त क्या होता है संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण ऐसे भी मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो अधिगम में सहायता देते हैं ठीक है ना अब संवेदना प्रत्यक्षीकरण के केंद्र में होती है जैसे कि प्राणी में पांच संवेदी अंग होते हैं ना जैसे कौन कौन होते हैं त्वचा कान जीभ आंख और नाक

संवेदी अंग होते हैं ना ज्ञान इंद्रिया ये ज्ञान के द्वार होते हैं ठीक है और एक तरीके से वातावरण में स्थित जितने भी उद्दीपन हैं उनके प्रत्यक्षीकरण में सहायता सहायक होते हैं कहने का मतलब ये है कि इन्हीं की मदद से हमें जितने भी उद्दीपन हैं उनके बारे में पता लगता है त्वचा की मदद से कान जीव आंख नाक इनकी मदद से तो हमें उद्दीपन के प्रत्यक्षीकरण कर में सहायता मिलती है ना ठीक है ना तो अगर इनमें से कोई भी अंग हमारा अगर प्रभावित हो जाए यानी कि अगर उसमें दोष हो जाए तो हमें अधिगम पर डेफिनेटली क्या होगा प्रभाव पड़ेगा

आयु की परिपक्वता पर अधिगम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है है ना कि वही जैसे कि अगर आप आयु है और आपकी आपके पास परिपक्वता है तो आपका क्या होगा अधिगम अच्छा होगा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो उसका अधिगम अच्छा होगा लेकिन अगर वो अधिग... अगर वो अधिक अगर सीखने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होगा तो वहां पर अधिगम क्या होगा अधिक uh, संपन्न नहीं हो पाएगा ठीक है कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो छोटी उम्र में ही बहुत अधिक सीख लेते हैं कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं पाठ्य वस्तु को सीखने में देर लगाते हैं ठीक वैसे देखा जाए तो भाई वास्तविक आयु के संग संग मानसिक आयु भी बढ़ती जाती है तो यहाँ पर देखा जाए तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है तो आपकी मानसिक आयु बढ़ने के संग संग आपकी परिपक्वता भी बढ़ती चली जाती है ठीक है ना लेकिन आ, कुछ परिपक्व लोग बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कुछ लोग परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाते तो उनमें सीखने की जो दर होती है वो क्या होती है काफी कम हो जाती है तो यहाँ पर इसलिए आयु हम कहते हैं ना आयु और परिपक्वता इसका बहुत ज़्यादा संबंध हो जाता है अधिगम से ठीक है ना इसके बाद आता है अभिवृत्ति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अभिवृत्ति कैसी है एटीट्यूड कैसा है तो अधिगम की प्रक्रिया में भाई डेफिनेटली आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है अधिगम में ठीक अगर कोई भी छात्र है वो पढ़ाई के प्रति सजग है तो वो उसके प्रति रुचि रखेगा और निश्चित रूप से उसके प्रति वो उचित अभिवृत्ति रखेगा है ना तो ऐसी जो अभिवृत्ति होती है वही क्या करती है अधिगम परिस्थितियों को पैदा करती है यानी कि उसका अधिगम बहुत अच्छा होगा ठीक है ना अब इसके विपरीत अगर उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड है पढ़ाई में रुचि नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है अधिगम करना कराना ठीक इसके बाद आता है शारीरिक क्रियाशीलता देखिए थकान मानसिक रूप से भी हो सकती है और शारीरिक रूप से भी हो सकती है ठीक अब जैसे कि हमने बोला कि जो थकान है अगर आपको थकान हो रही है तो आप शारीरिक रूप से आप क्या है यानी आप शारीरिक रूप से आप क्रिया करके आ रहे हैं तो वो आपकी अधिगम की प्रक्रिया को क्या करेगा डेफिनेटली कम करेगा ठीक है ना तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी शारीरिक क्रियाशीलता है ये भी क्या करती है बहुत ज्यादा प्रभावित करती है इसके बाद आता है बुद्धि ये तो है ही अधिगम प्रक्रिया में बुद्धि तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बुद्धि परीक्षण जैसे हम आईक्यू मापते हैं तो वो भी क्या होता है सीखने से संबंधित होती है किसी विद्यार्थी का आई बहुत अधिक होगा तो बहुत जल्दी सीखेगा और अगर अगर उसका क्या कहते हैं लेकिन लेकिन अगर उसका आई कम होगा तो वो क्या होगा डेफिनेटली कम सीखेगा ठीक है ना लेकिन इसमें एक चीज और है कि खाली एक विद्यार्थी का उच्च आई क्यू होने से ही यह गारंटी नहीं होती कि वो सीखना उसका भी बहुत तेजी से होगा ठीक है ये भी आप ध्यान में रखना कि वैसे हम मानते हैं कि वो जल्दी सीखते हैं लेकिन सिर्फ आई अगर ज्यादा है तो उससे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी सीख लेगा ठीक है ना लेकिन इसके अलावा जैसे कि अभी इतने सारे प्रयोग किए गए कि भाई उसकी आवश्यकताएं क्या हैं रुचियां अभिप्रेरणियाँ ठीक है ना और सीखने जाने वाली जो उसको सिखाने वाली जो विधियाँ हैं वो सारी की सारी क्या है इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो आई क्यू ऑफकोर्स ये कहता है कि भाई कोई किसी बच्चे का अगर आई क्यू है तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा लेकिन वो गारंटी सीखेगा ये नहीं कह सकते उसमें उसकी आवश्यकताएं भी हैं रुचियाँ भी हैं मोटिवेशन भी हैं और उसको सिखाया जाता है उसको कैसे आप सिखा रहे हैं कौन सी आप टीचिंग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं आप विधियां प्राविधियाँ यूज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके बाद आता है व्यक्तिगत रुचियाँ व्यक्तिगत रुचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर किसी व्यक्ति की अगर अब रुचि है तो डेफिनेटली वो उसमें ज़्यादा जल्दी अधिगम करेगा यदि किसी क्रियाकलाप में छात्र को रुचि उत्पन्न होगी तो शिक्षा क्या कर सकते हैं उस दिशा में अधिक प्रयास करेंगे और प्रयास किए करके ही सीखना क्या होता है संभव होता है ठीक है और इससे होता भी क्या कि है कि अगर जो छात्र हैं उनको कभी भी अवरोध या थकान महसूस नहीं होती है ठीक है ना तो यहाँ पर आपका क्या है व्यक्तिगत रुचियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान बिल्कुल अधिगम की क्रिया को ये बहुत तेजी से प्रभावित करता है कोई भी अध्यापक किस सीमा तक छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है इस पर अधिगम निर्भर करता है ठीक है ना तो ध्यान को विकास करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है जैसे शांत वातावरण हो पाठ की तैयारी हो शिक्षण सहायक सामग्री का आप उपयोग करें आप उनकी बालकों की रुचि का ध्यान में रखें पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध तो इस ये सब क्या होता है ध्यान के अंतर्गत आते हैं यहीं आपका क्या होता है बच्चों का ध्यान लगता है आपकी ओर जब आप ये सारी तैयारियाँ करके आते हैं इसके बाद आता है आवश्यकताएँ अब मैंने पहले बोला कि जब विद्यार्थी को जब तक शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट ना हो जाएं, तो तब तक विद्यालय में उनसे किसी भी प्रकार के बौद्धिक चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है ना तो अगर आप जैसे कि हमने मिड डे मील के बारे में डिस्कस किया भाई मिड डे मील क्यों चलाया गया मिड डे मील इसीलिए तो चलाया गया ना कि बच्चे हैं अगर वो भूखे हैं तो उनसे अधिगम होना क्या पॉसिबल है बिल्कुल नहीं है तो अगर आप भूखे पेट अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अधिगम करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना तो जब तक आपकी शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होंगी तो आप किसी भी तरीके का बौद्धिक चिंतन नहीं कर सकते ठीक है ना तो एक गरीब विद्यार्थी अगर वो कक्षा में भूखा है तो उसका ध्यान अध्ययन की अपेक्षा खाने की ओर ज्यादा जाएगा है ना ठीक तो इस प्रकार में इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि शारीरिक आवश्यकताएं भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है ना अब कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ भूख ही नहीं है कभी कभार आप मौसम की भी बात कर लेते हैं जैसे कि अगर कक्षा में अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो आपको ठंड लग रही है आगे से टीचर पढ़ा रहा है आप कैसे पढ़ोगे बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी तरीके से बहुत गर्मी हो रही है तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है ना तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है शारीरिक आवश्यकताएँ भी और इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षक से काफ़ी डरते हैं क्योंकि विद्यालय में काफी पिटाई की जाती है तो उससे भी वो आसु, असुरक्षित टाइप का महसूस करते हैं ठीक है तो इस प्रकार से अगर वो किसी दंड से भयभीत है तो भी क्या हो सकता है अधिगम नहीं हो सकता है ठीक तो एक शिक्षक से हमेशा क्या की जाती है आशा यही की जाती है कि वो एक स्नेहपूर्ण वातावरण रखे उत्साहपूर्ण वातावरण रखे और बच्चों के संग सहानुभूति भी रखे यही एक हमेशा शिक्षक से आवश्यकता की जाती है तभी जाके बच्चे का अधिगम दोस्तों प्रभावी होता है तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय